हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सोमो कोल्ड सिर्फ का फुल रिव्यू आज के इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ इस सिर्फ का इस्तेमाल कब किया जाता है कैसे यूज़ करते हैं इसके क्या बेनिफिट हैं क्या साइड इफेक्ट हैं या फिर कह सकते हैं डॉक्टर इसको किस कंडीशन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो सो फ्रेंड लीजिए स्टार्ट करते हैं बात कर लूँ ये आपको थर्टी एम की पैकिंग में मिल जाएगा इस तरह का इसका पैकिंग है डब्बे की पैकिंग है और अंदर जो सिरप है इस कलर का होगा आपके आप देख पा रहे हैं और उसका जो मेजरमेंट करने के लिए इसके ऊपर कप है इसमें इंडिकेट किया होगा टू पॉइंट फाइव एम एल सेवन पॉइंट फाइव एम एल तो इसके हिसाब से आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं डोज एंड ये आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा इसकी जो डोज एंड डन है इसकी क्या है कैसे आप देना है कितनी डोज में सो फ्रेंड बात कर लेते हैं अब इसके मेनली इन्ग्रीडियंट की तो इसका इंग्रीडियंट देख पा रहे हैं पैरासिटामोल क्लोरोफिनामाइन और फिनाइल एफ्रीन इसका जो मेनली इंग्रेडिएंट है ये जो इंग्रेडिएंट का मेन वर्क होता है इसको यूज़ किया जाता है सर्दी जुकाम खांसी के लिए और फीवर के लिए जिन पेशेंट में ये सब सिम्टम्स देखे जाते हैं डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर कह सकते हैं जिसको जुकाम हुआ है जुकाम हुआ होता है नाक बहती है बहुत ज़्यादा उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है और बात कर लेते हैं इसके ये तो हो गया इसके बेनिफिट और बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में ऐसे तो इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है समटाइम्स ऐसे होता है एलोपैथिक मेडिसिन कई लोगों को रिएक्शन कर जाती है इसके कोई इंग्रेडिएंट बॉडी को सुटेबल नहीं होते तो उस कंडीशन में इस आपके बॉडी बॉडी में में या जिसको जो ये यूज़ करेगा उसकी में इचिंग होने लगेगी रेडनेस हो जाएगा बेचैनी होने लगेगा दाने पड़ जाएंगे तो ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं आपको तो इस मेडिसिन को लेना तुरंत बंद कर दें और डॉक्टर को दिखाएं और ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट की बात करूँ तो घबराहट बेचैनी वॉमिटिंग हेडक अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो भी इसको लेना बंद कर दें अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से एडवाइस लेके इसको यूज़ करें और बात कर लेते हैं ये तो होगा इसका साइड इफेक्ट अब इसको डोज एंड ड्यूरेशन जो इसकी डोज एंड ड्यूरेशन होती है अकॉर्डिंग टू वेट अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको दिया जाता है बात कर लें एक साल से ऊपर के बच्चों को यूज़ किया जाता है एक साल से लेकर पाँच साल तक के बच्चों को इसको दिया जा सकता है और आपको नियर अबाउट मैं इसकी डोज़ बता देता हूँ कैसे क्या है जो एक साल से ले कर तीन साल तक के बच्चे हैं उनको यूज़ किया जाता है ढाई इसको ढाई से तीन एम के बीच में और जो तीन साल से पाँच साल के बीच में बच्चे हैं उनको पाँच एम्बल दिया जाता है पाँच एम्बल के आसपास अकॉर्डिंग टू वेट वेट के हिसाब से दिया जाता है क्योंकि वेट के हिसाब से ही बॉडी में जो आप इसको देंगे डोज उसकी तभी काम करेगा अगर इसका जो कह सकते हैं इसका मेडिसिन की डोज़ कम होगी तो भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर डोज़ ज़्यादा हो जाएगी तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर एकूरेट बॉडी के हिसाब से अगर कोई भी मेडिसिन उसकी डोज दी जाती है बॉडी में तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस बात का ख्याल रखें तो उसकी इसके बारे में ज़रूर आप कन्फर्म कर लें अगर आपके माइंड में कोई सवाल जवाब है तो मेरे को कमेंट करके बताइए मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा इसका वेट कितना है या इसकी एज कितनी है बच्चे की तो आपको मैं बता सकता हूँ आप कमेंट कर सकते हैं आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब हो तो बात कर लेते हैं इसके एम की तो मेरे पास जो है सैंपल पीस है इसमें एम नहीं लिखा है सो so, कोई भी कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें आपको इसके साइड इफेक्ट भी बता दिए बेनिफिट भी बता दिए उसको यूज़ कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है और आपके माइंड में अगर इसके रिकॉर्डिंग कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट करके बता सकते हैं और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ आपके माइंड में कोई भी सवाल जब आप किसी भी मेडिसिन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कमेंट करिए और अपना मोबाइल नंबर मैंशन कर दीजिए आपको आने वाले टाइम में बैक कॉल कर ली जाएगी जरूरत पड़ने पर सो so फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग ए नाइस डे